ओम शांति। बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुए, आत्माओं का कल्याण करने के लिए उसने हम सभी को सत्य ज्ञान दिया, शक्तियां दी, वरदान दिए, रोज शिक्षक बनकर पढ़ाया। अब ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सबका कल्याण करें। एक है ज्ञान देकर सबका कल्याण करना, प्रभु मिलन का मार्ग बताना, ताकि उनका भाग्य वो कितना इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन दूसरा है प्रकृति को और सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनकी सोई हुई चेतना को जगाना। प्रकृति भी संपूर्ण सत्वप्रधान बनेगी, जीव जंतुओं को भी हमें वाइब्रेशंस देकर उनका कल्याण करना होगा। इसलिए ये एक बहुत गुह्य बात सभी को याद रखनी है कि हमारी विश्व कल्याण की भावना भी सबका कल्याण करती रहेगी। इसे अंडरलाइन कर दें। इसलिए अपने स्वमान को बहुत बढ़ा दें कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरा हर बोल विश्व कल्याण के लिए, मेरा हर संकल्प दूसरों के कल्याण के लिए, मेरा व्यवहार वार्तालाप सबको सुख देने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मुझे अपनी मनसा को भी शुभ भावनाओं से भर लेना है। अब सोच लें जिन्हें सबका कल्याण करना हो, वो किसी का कल्याण कैसे कर सकते हैं, किसी को नीचे कैसे उतार सकते हैं, किसी से घृणा नफरत कैसे रख सकते हैं। हम यदि दूसरों को तंग करेंगे तो आखिर फिर जब वो तंग हो जाएंगे हमें ही तो उनका कल्याण भी करना पड़ेगा। तो अपने चित्त में ये भावना बहुत प्रबल रूप से बढ़ा दें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे ये महान कार्य सौंपा है। जरा अपने भाग्य को देखकर गौरवान्वित तो हो जाएं, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। इस संसार में कोई बड़ा आदमी, धनवान व्यक्ति अपने कार्य की सारी जिम्मेदारी आपको दे दे, चेयरमैन बना दे आपको एक बड़े डिपार्टमेंट का, आपका गौरव कितना बढ़ जाएगा, सैलरी भी कितनी ज्यादा मिलेगी। भगवान ने हमें अपना साथी बना लिया और एक बहुत बड़ा कार्य युग परिवर्तन का, सब आत्माओं को बदलने का, निर्विकारी बनाने का, उसमें हमें अपना साथी बना लिया और कहा मैं तो हूँ ही, लेकिन तुम्हें ये कार्य विशेष रूप से करना है। तो हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करें कि भगवान ने स्वयं हमारी योग्यताओं को देखकर हमें सेलेक्ट किया कि यही मेरे बच्चे इस महान कार्य के लिए उपयुक्त हैं, योग्य हैं, कैपेबल हैं, इनके द्वारा ही मुझे सबका कल्याण कराना है। और जो इस कार्य में निमित्त बनते हैं, चाहे वो गृहस्थ में रहते हों, चाहे समर्पित हो गए हों, उनको बाबा विशेष शक्तियां भी प्रदान कर देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो कार्य बाबा हमें देते हैं उसको संपन्न करने के लिए वो हमें अपनी शक्तियां भी बहुत दे देते हैं। हम इस सत्य को रियलाइज कर लें कि हमारे साथ परमात्म शक्तियां हैं, उसका वरदानी हाथ भी हमारे सिर पर है। और हम ये भी याद रखें, जितना हम योगयुक्त रहेंगे, जितना हम अपनी पवित्रता के बल को बहुत बढ़ाएंगे, जितना हमारे चित्त में सबके लिए शुभ भावनाएं बढ़ेंगी, उतना ही हमारे द्वारा विश्व का कल्याण होगा। इसलिए इन भावनाओं को भी बढ़ाएं। और इसके पीछे जो ये तीन विशेष मान्यताएं हैं, योग, पवित्रता और शुभ भावनाएं, इन्हें भी जीवन में तेजी से अपनाते चलें। तो आइए आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और अपना उनका हाथ रखाएंगे अपने सिर पर और इस फीलिंग को बढ़ाएंगे
मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा का आह्वान करें, आप सब जानते हैं, वतन में जाकर शिव बाबा को निमंत्रण दें, बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमारे पास आ जाएंगे। फील करें वो हमारे सामने खड़े हैं, उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और याद दिला रहे हैं, बच्चे जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ तुम भी मेरे समान विश्व कल्याणकारी हो। इस फीलिंग को बढ़ाएं और सबको वाइब्रेशंस दें। ओम।